गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन मैथ सब्जेक्ट मेंटल मैथ, राइट इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट 9898 को हम इस तरह से वर्ड्स में लिख सकते हैं, NINETY 90 EIGHT 8, इस तरह से आप लोग को करना है। 79 79 79 70 SEVENTY 90 100 5, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। देखो, वंस टेंस हंड्रेड कितना हो गया 100, टेंस के जगह पे जीरो है तो जीरो टेंस हो गया, फाइव वंस कितना हो गया 105, इसको इस तरह से लिखते हैं 105। राइट इन फिगर्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 67 मीन्स क्या होता है 60 मीन्स 60 और प्लस 7, तो 60 में अगर हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 67, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो 248। इस तरह से अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड कॉलम पहले लिख लोगे और फिर देखोगे, जैसे कि आप लोग को पता है कि हंड्रेड में कितने जीरोज होते हैं, टू जीरोज, तो उसमें मतलब थ्री डिजिट नंबर है हंड्रेड, तो 1 2 3 डिजिट, 3 0 हम डाल देंगे या वंस टेंस हंड्रेड कॉलम में से करके लिख लेंगे। और उसके बाद जो हम बोल रहा है, जैसे 200 बोल रहा है, तो 100 प्लेस पर क्या लिखेंगे 200 कॉलम में 2 लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है 48 मतलब कितना होता है 40 मीन्स 4 टेंस, तो टेंस कॉलम में क्या लिखेंगे 4, टेंस कॉलम में 4 लिख लेंगे। फिर वंस कॉलम में कितना है 8, यहाँ 8 लिख लेंगे। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, तो इसको हम लिखेंगे 248। 500, तो 100 कॉलम में यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5, और उसके बाद तो कुछ नहीं है तो इसमें 0 0 डाल देंगे, तो कितना हो गया 500, तो मतलब 500। इस तरह से आप लोग को राइट इन वर्ड्स एंड राइट इन फिगर्स में आप लोग को लिखना है। ये आप लोग आज का होमवर्क है, जो कि आपको राइट इन वर्ड्स में लिखना है और राइट इन फिगर्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।